ये सेटिंग आप दोस्तों को इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप भी T20 वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं तो ये सेटेलाइटें आप दोस्त आसानी से लगा सकें। ये वो सेटेलाइटें हैं जिसके ऊपर आप इजीली T20 वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हैं आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और इतना खूबसूरत और बेहतरीन मल्टी सेटअप अगर आपके पास लग जाए तो आपको किसी की मिन्नत करने की जरूरत नहीं है। RTA स्पोर्ट बिल्कुल ओके मेरे पास चल रहा है, 18 चैनल भी मेरे पास बिल्कुल ओके चल रहा है, एफ्तार 76 डिग्री ईस्ट के साथ। आज आप दोस्तों को वतन HD चला के दिखाना है, तो ये हमारे पास कहाँ पे ट्रैक होगी, ये देखें जी, 76 डिग्री ईस्ट के साथ वतन HD आपको चला के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं जी, बिल्कुल ओके चल रहा है और सिग्नल भी आप दोस्त देख सकते हैं जी। और इसके साथ साथ एक्सप्रेस AM 80 डिग्री इसकी भी सेटिंग आज की वीडियो में ही आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है, तो वीडियो आप दोस्तों ने कम्प्लीट देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप तमाम दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक गफ़ार। आज की एक और नई और अमेजिंग वीडियो में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। 4 फीट डिश की बजाय आज हम सेटिंग करने लगे हैं जी 5 फीट डिश के ऊपर। आज एक तो Asia Z7 से एब्सर 76 डिग्री ईस्ट के ऊपर मूव कैसे होना है, और इसके साथ अगर आज की वीडियो में आप दोस्तों को मल्टी सेटअप लगा के ना दिखाऊँ तो आप दोस्तों के साथ भी ज्यादा हो जाएगी। और इसके साथ साथ वतन HD या साथ 52 ईस्ट के ऊपर काफी सारे दोस्तों के पास बंद हो चुका है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेक गफ़ार को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आप कर दें सब्सक्राइब और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस तरह की वीडियो नेक्स्ट भी आप दोस्तों को मिलती रहे। डिश आपके सामने है, DVD सेटेलाइट फेंडर के ऊपर 40 हर्ट्ज वर्टिकल 26666 वाली फ्रिक्वेंसी मैंने लगाई हुई है। इसको लगाने के बाद सबसे पहले हम इसको सेट करने लगे जी Asia Z7 के ऊपर। Asia Z7 जब भी आपने सेट करनी हो मशीक वाली साइड पे इसके सिग्नल आप दोस्तों को मिलते हैं। Asia Z7 यहाँ पे हमारे पास सेट हो चुकी है, 74% तक सिग्नल DVD सेटेलाइट फंडे के ऊपर आप दोस्तों को नजर आ रहे होंगे। अगला जो प्रोसेस हमने करना है Asia Z7 से इस डिश को हमने मूव करना है एब्सर 76 डिग्री ईस्ट के ऊपर। आसान TP 37:53 वर्टिकल 83:30 वाली फ्रिक्वेंसी लगा लेनी है, किट जोन पाकिस्तान वाली। उसके बाद आपने क्या करना है जी, LNB का स्क्रू एंगल भी आपने चेंज करना है, ठीक है। स्क्रू एंगल आपने सेम नहीं रखना जिस तरह आपने Asia Z7 के ऊपर रखा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं जी, स्क्रू को थोड़ा सा लूज लूज करने के बाद LNB की पोजीशन थोड़ी सी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। Asia Z7 से डिश को हमने मूव करना है जी राइट साइड पे, ठीक है। Asia Z7 से LNB की पोजीशन चेंज करने के बाद हमने डिश को राइट साइड पे मूव करना है, ठीक है। राइट साइड पे आप दोस्तों ये देखें, यहाँ पे इसको हमने मूव किया है जी और पीछे से डिश को मैंने डाउन किया है तो सिग्नल मेरे पास 73% तक आ रहे हैं जी, ठीक है। अब डिश को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद अगला जो मल्टी सेटअप आप दोस्तों के साथ शेयर करना है वो शेयर करते हैं। और आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ 76 डिग्री इसके साथ वतन HD भी चला के दिखाना है, और इसके साथ साथ एक्सप्रेस AM 80 डिग्री इसकी भी सेटिंग आज की वीडियो में ही आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पे डिश हमारी सेट हो चुकी है जी। सबसे पहले आप दोस्तों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बॉल इंटरटेनमेंट और बॉल न्यूज़ वाली जो TP है 38:73 वर्टिकल 8000, इसके भी सिग्नल हमारे पास स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। और डिश के मैं आगे बैठा हूँ, LNB की पोजीशन आप दोस्तों चेक कर सकते हैं। और ये जो प्लेट मैंने लगाई हुई है, ठीक है, ये जो कड़ा लगा हुआ है, ठीक है, सी बैंड LNB का, इसको यहाँ से काटने का मकसद और इस तरह की कटी हुई प्लेट लगाने का जो मकसद है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। मेरा काम है आप दोस्तों को डिश की सेटिंग करके दिखाना और आपको काम सिखाना, ठीक है। अगर आपके पास भी इस तरह की डिश है तो इसके ऊपर अगर आप मल्टी सेटअप लगाना चाहते हैं तो इजीली आप लगा सकें, इसीलिए हम वीडियो बना के आप दोस्तों को दिखाते हैं। तो मल्टी सेटअप के लिए हमें इस पतरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये वाली पतरी हम एडजस्ट कर लेते हैं जी ऊपर या नीचे वाली साइड पे। यहाँ पे इस पतरी को हम कर लेते हैं जी एडजस्ट। तो दोस्तों अगली जो सेटेलाइट है एफ्तार 76 डिग्री ईस्ट के बाद जो हमारे पास ईजीली रिसीव हो जाती है, अगर डिश के आप आगे बैठे हैं तो लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास सेटेलाइटें आती है तो काफ़ी डिमांड वाली ये सेटेलाइट है। काफ़ी सारे दोस्त इसको लगाने की भी कोशिश करते हैं और लगा नहीं पाते अक्सर दोस्त। तो हमारा काम है आप दोस्तों को काम सिखाना। इसके बाद प्लेट जो काटने का मकसद आप दोस्तों को बता रहा था 76 डिग्री ईस्ट के बाद हमने लगानी है जी एक्सप्रेस AM 80 डिग्री ईस्ट 11607 हॉरिजेंटल 45000 वाली फ्रिक्वेंसी मैंने लगाई हुई है DVD सेटेलाइट फंडर के ऊपर। इसको लगाने के बाद एफ्तार 76 डिग्री ईस्ट के बिल्कुल साथ ही आपने इसको ट्रैक करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे LNB की जो पोजीशन है, जो स्क्रू एंगल है, वो आपने बिल्कुल NSS 6 की तरह ही रखना है। पे सिग्नल हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं जी, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है 92% तक हमारे पास जा रही है। यहाँ पे LNB को आपने अंदर वाली साइड पे भी करना है, ठीक है। और
इसकी पत्री जो है वो मैं थोड़ी सी पीछे कर लेता हूँ ताकि एलन भी हमारी अंदर की तरफ जा सके, और उसके बाद हम चेक करते हैं जी कि एक्सप्रेस एम 80 डिग्री ईस्ट, अगर 76 डिग्री ईस्ट हमारा सेंटर में लगा हो तो हमारे पास कितने सिग्नल। ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं जी 16% सिग्नल, और LNB को मज़ीद हम अंदर की तरफ, ये देखें जी 79% तक सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं जी एफ स्टार 76 डिग्री ईस्ट के साथ एक्सप्रेस एम 80 डिग्री ईस्ट के। अब इस LNB को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद इससे जो अगली हमारी सेटेलाइट आती है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। सेटिंग मैंने कर दी है, LNB को यहाँ पे फिक्स कर दिया, और DVD सेटेलाइट फंडे के ऊपर अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखें 11607 वर्टिकल 45,000 वाली फ्रिक्वेंसी के सिग्नल हमारे पास 70% तक लॉक हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप दोस्तों को यहाँ पे दूसरी फ्रिक्वेंसी भी चेक करवाई जाए तो 11044 वर्टिकल 45,000 वाली फ्रिक्वेंसी जो है उसके भी सिग्नल हमारे पास इस टाइम जो है वो 72 और 73% तक DVD सेटेलाइट फेंडर के ऊपर हमारे पास आ रहे हैं। अब इस LNB से तार निकाल लेते हैं। तार निकालने के बाद एक्सप्रेस एम 80 डिग्री ईस्ट के बाद हमारे पास जो अगली सेटेलाइट आती है जी वो आती है टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ से DVD सेटेलाइट फेंडर की फ्रिक्वेंसी हम चेंज कर लेते हैं जी। तो ये DVD सेटेलाइट फेंडर सलीम साहब ने हमें सऊदीया से ऑर्डर किया हुआ था जी, हमारी वीडियोज़ वो रेगुलर देखते थे, मोहब्बत है आप जैसे भाइयों की जी जो इतना ट्रस्ट करते हैं हम पे, उन्हीं के DVD सेटेलाइट फेंडर के ऊपर मैं सेटिंग कर रहा हूँ आज की वीडियो की। मेरे DVD सेटेलाइट फेंडर की बैटरी लो हो गई है, तो 80 डिग्री ईस्ट के बाद टाटा स्काई 83 डिग्री हमारी आएगी जी बिल्कुल 80 डिग्री ईस्ट के यहाँ पे साथ, ठीक है। और इसकी जो LNB का स्क्रू एंगल है, काफ़ी सारी वीडियो में पहले भी मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि जिस तरह वीडियो कॉन या NSS 6 वाली सेटेलाइट का LNB का स्क्रू एंगल आता है, टाटा स्काई जब भी आप ट्रैक करें तो इसका स्क्रू एंगल थोड़ा सा चेंज रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखें स्क्रू एंगल मैंने चेंज किया, सिग्नल हमारे पास आना स्टार्ट हो चुके हैं जी 24 और 16 29% तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि इस सेटेलाइट के सिग्नल हमारे पास कहाँ पे लॉक होते हैं। LNB को थोड़ा सा हम नीचे की तरफ लेके आएंगे और स्क्रू एंगल हम यहाँ से थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं जी कि टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट के सिग्नल हमारे पास कहाँ पे लॉक होते हैं। ये देखें 74% तक सिग्नल हमारे पास आ चुके हैं जी टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट के। अब हमने टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट यहाँ पे सेट नहीं करना जी, एफ स्टार 76 डिग्री ईस्ट के साथ आज आप दोस्तों को वतन HD चला के दिखाना है। LNB का स्क्रू एंगल हम चेंज कर लेंगे कुछ इस तरह से, और DVD सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर यहाँ से फ्रिक्वेंसी हम कर लेते हैं जी चेंज, ठीक है। वतन HD की फ्रिक्वेंसी जो है वो 12550 हॉरिजॉन्टल 5000 है, और अगली जो हमारी सेटेलाइट है वो है वीडियो कॉन 88 डिग्री ईस्ट। तो ये हमारे पास कहाँ पर ट्रैक होगी, ये देखें जी वीडियो कॉन 88 डिग्री ईस्ट के ऊपर जो फ्रिक्वेंसी मैंने वतन HD की लगाई है, LNB साथ रखते ही हमारे पास सिग्नल आ चुके थे, और यहाँ पे मजीद इसको ऊपर वाली साइड पे लेके जाते हैं, हमारे पास सिग्नल इसके आ चुके हैं जी 67 और 64% तक। इस LNB को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, फिक्स करने के बाद आप दोस्तों को वतन HD चला के भी दिखाता हूँ। LNB मैंने फिक्स कर दी है, DVD सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर आपको सिग्नल नज़र आ रहे होंगे 76 डिग्री ईस्ट के साथ, वतन HD आपको चला के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्त देख सकते हैं जी वतन HD हमारे पास, आवाज़ यहाँ से म्यूट कर लेते हैं, बिल्कुल ओके चल रहा है, और सिग्नल भी आप दोस्त देख सकते हैं जी 70% तक हमारे पास वतन HD के आ रहे हैं। वीडियो कॉन 88 डिग्री ईस्ट के बाद हमारे पास आती है जी NSS 6 93 और 95 डिग्री ईस्ट। तो इसकी फ्रिक्वेंसी हम लगा लेते हैं यहाँ पे 11170 वर्टिकल 29,500, वीडियो कॉन के बिल्कुल साथ ही हमारे पास आएगी जी NSS 6। तो यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं जी 67% तक सिग्नल आ रहे हैं जी NSS 6 के वीडियो कॉन के बाद। इस LNB को यहाँ पे लगा लेते हैं जी नेट, NSS 6 मेरी सेट हो चुकी है, 70% तक सिग्नल DVD सेटेलाइट फेंडर के ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद जी अगर मजीद हम आगे वाली साइड पे जाएं, लेफ्ट साइड पे टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है, और राइट साइड पे भी आप दोस्तों को दिखाना है जी कि अगर एफ स्टार 76 डिग्री ईस्ट आपके पास सेंटर में लगी हो तो मजीद आप कौन सी सेटेलाइटें और लगा सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पर NSS 6 के बाद आप 100 डिग्री ईस्ट भी ट्रैक कर सकते हैं, 12301 वर्टिकल 2916 इसकी फ्रिक्वेंसी है, और NSS 6 के बाद हमारे पास 100 डिग्री ईस्ट आती है जी यहाँ पे, 100 डिग्री ईस्ट के बाद हमारे पास आती है जी एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट 11520 वर्टिकल 32720 इसकी फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ पे हमारे पास आई थी 100 डिग्री ईस्ट। थोड़ा सा ही हम आगे और ऊपर वाली साइड पे LNB को करेंगे तो हमारे पास एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट के भी सिग्नल आना स्टार्ट हो जाते हैं जी, सेटेलाइट फंड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम राइट साइड पे जाते हैं, तो अब डिश की मैं आ चुका हूँ जी आगे बैठ के राइट साइड पे।
तो सीधे हाथ पे हमारे पास कौन सी स्लैंटेड ट्रैक हो सकती है, 36। इसके बाद हम छोटी सी ट्राई करते हैं यूटेलसैट 70 डिग्री ईस्ट की, तो 11050 हॉरिजॉन्टल 19215 वाली फ्रिक्वेंसी हम लगा लेते हैं। तो ये वाली जो सेटेलाइट है ये थोड़ी सी यहाँ पे लगाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास ये जो प्लेट है अगर यहाँ पे कटी हो तो बिल्कुल ये इस LNB के साथ ही आती है सेटेलाइट। तो यहाँ पे आप दोस्तों को सिग्नल सिर्फ मैं चेक करवा देता हूँ, तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 21% तक सिग्नल आ रहे हैं जी। यूटल साथ 70 डिग्री इसके नीचे वाली साइड पे पूरी मुकम्मल हमें रिसीव हो जाती है, ठीक है, इस जगह पे। इसके बाद हमारे पास आती है यह साथ 52 ईस्ट, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी हम कर लेते हैं जी चेंज, ठीक है। यह साथ की RTS पोर्ट की हम फ्रिक्वेंसी लगा लेते हैं जी 12015 हॉरिजॉन्टल 27500 वाली। 70 डिग्री ईस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद और आगे की तरफ बढ़ते हैं, LNB को ऊपर वाली साइड पे लेके जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 21-27% सिग्नल आ रहे हैं जी RTS पोर्ट वाली फ्रिक्वेंसी के, और 24% तक, ठीक है, 27%। और यहाँ पे हमारे पास यह साथ 52 ईस्ट जो है वो हमें फुली रिसीव हो जाती है। आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा DVD सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर हमारे पास RTS पोर्ट के 72% तक सिग्नल आ रहे हैं। यहाँ पे LNB को कर लेते हैं फिक्स, तो LNB को मैंने सेट कर लिया यह साथ 52 डिग्री इसके ऊपर, और 12015 हॉरिजॉन्टल 27500 वाली जो फ्रिक्वेंसी आप दोस्तों को पता है इसके ऊपर RTS पोर्ट और ATN चलता है, ठीक है। तो आप दोस्तों को यहाँ पे चैनल भी चला के मैं दिखा देता हूँ, RTS पोर्ट बिल्कुल ओके मेरे पास चल रहा है और सिग्नल 74% तक आ रहे हैं, और एक नंबर पर मेरे पास सऊदी चैनल फॉर कुरान है 11747 ओरिजिनल 27500 इसकी फ्रिक्वेंसी, और 74% तक सिग्नल इसके भी मेरे पास आ रहे हैं। और वतन HD के सिग्नल की अगर बात की जाए तो वतन HD के सिग्नल आप दोस्तों को पता भी है यह साथ 52 इसके ऊपर सेंटर में भी नहीं रिसीव होते। तो दोस्तों 76 डिग्री इसके साथ यह साथ 52 ईस्ट अगर आप इजीली लगा सकें, तो इसके बाद अगली सेटेलाइट हमारी आती है जी तुर्क साथ 42 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री ईस्ट 52 डिग्री। इसके बाद अगर आप तुर्क साथ 42 डिग्री ट्रैक करना चाहते हैं तो सबसे आसान फ्रिक्वेंसी 12054 हॉरिजॉन्टल 27500 मोनिका को चैनल वाली लगा लेनी है। लगाने के बाद हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं, तो ये देखें जी यहाँ पे 16% तक सिग्नल हमें मिल रहे हैं जी तुर्क साथ 42 डिग्री ईस्ट के, और इसके साथ अगर आप देखें 69% तक सिग्नल हो चुके हैं जी हमारे पास तुर्क साथ 42 डिग्री ईस्ट के। तो दोस्तों अभी अजानें हो रही हैं, ठीक है, इस LNB को यहाँ पे फिक्स नहीं करते। सिग्नल आप दोस्तों को मैंने दिखा दिए हैं कि यह साथ 52 ईस्ट भी आप लगा सकते हैं सर 76 डिग्री ईस्ट के साथ, और इसके बाद 45 और तुर्क साथ 42 डिग्री ईस्ट भी आप आसानी से लगा सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहाँ पे कर देते हैं जी एंड। नेक्स्ट आप दोस्तों कमेंट करेंगे कि कौन सा मल्टी सेटअप आप दोस्तों के लिए लगाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।